स्वागत है दोस्तों अस्त प्रकाश टीवी पे। मैं मनीष कुमार इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट पर, जहाँ पे BDS के स्टूडेंट्स ने हंगर स्ट्राइक कर दिया अपने स्टाइफंड्स को लेकर। इस वक्त मेरे साथ मैम मौजूद है। मैम सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमन सैनी है, मैं BDS डिपार्टमेंट में इंटर्न हूँ। मैम क्या कारण बने, क्या परिस्थितियाँ आ गई कि आप हंगर स्ट्राइक पे इतने सारे बच्चों के साथ? हमारा यही एक ही मुद्दा है कि हम एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और हम डेंटिस्ट बन रहे हैं, ठीक है। अब हम इंटर्न बन चुके हैं, 4 साल हमने पढ़ाई कर ली है, हमने 1.5-1.5 लाख रुपए फीस दी है, लेकिन इंटर्नशिप में आके हमें 1 महीने की स्टाइपेंड 9,000 मिला। कहाँ पे लगी आपकी इंटर्न्स? हमारी इंटर्नशिप यही हमारे हॉस्पिटल 25 सेक्टर में ही लगी है। तो मैम उसमें क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है आपको, इतनी कम सैलरी, आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाई उसके बारे में? इसके बारे में हमने UT एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी यूनिवर्सिटी, सब जगह हमने लेटर्स दिए। पिछले 10 साल से इसके ऊपर काम किया जा रहा है लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। तो हम अब हमें कोई रिस्पांस ना आने के कारण हमें रोड पे आना पड़ा, हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी, क्योंकि हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस आज तक नहीं दिखा। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके साथ दोस्त? हमारे साथ पूरा कॉलेज है, पूरा डिपार्टमेंट हमारे साथ है, हमारे टीचर्स भी हमारे साथ हैं, तो पूरी हमारी यूनिटी बहुत अच्छी है। आपने स्ट्राइक करने से पहले अपने HOD या अपने ऑफिशियल जो भी आपके, कितनी बार उनसे आपने बात करी है और उनका क्या कहना होता था पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स का? हमने सारे HODs, पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल सबसे हमने बात करी, उन सबका यही कहना है कि हो जाएगा हो जाएगा, सब यही दिखाते थे कि हो जाएगा लेकिन आज तक नहीं। तो मैम पिछले 4 दिन से आप बैठे हैं और आज आप हंगर पे आ गए, स्ट्राइक करने करी आपने, तो 4 दिन में आपकी प्रशासन से तो बात हुई होगी, तो उन्होंने क्या कहा? प्रशासन से हमारी बात हो रही है, दिन प्रतिदिन हमारी बात होती है, खुद तो यहाँ पे नहीं आते हैं। VC अभी तक एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई है, हमने एक बार भी यूनिवर्सिटी की VC से बात नहीं की है, उनके DSW मेल फीमेल हमसे मिलती हैं, तो VC अभी तक हमसे मिलने नहीं आई है। अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती है तो अगला रुख क्या होगा? अगर हमारी मांग नहीं पूरी हो रही है तो हम ऐसे ही, हमारी इनडेफिनेट स्ट्राइक है। आज हमने हंगर स्ट्राइक, चेन हंगर स्ट्राइक शुरू की है, तो कल पूरी जनता उस हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू करेगी जब तक हमारी स्ट्राइक चलती रहेगी, जब तक हमारी स्टाइपेंड नहीं बढ़ेगी। कुछ और भी हमारे साथ यहाँ बच्चे हैं, मैम क्या नाम है? एशना, मैं भी इंटर्न हूँ यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे आप सबसे? इट्स वेरी सैड टू सी कि अब जैसे जो GMCH है, GMCH में भी दे आर इंटर्न्स, एंड जब हमारा स्टार्ट हुआ था 2009 में, देर वॉज द फर्स्ट इंटर्न बैच जो इस कॉलेज से निकला, उस समय इन्होंने देखा कि GMCH के भी इंटर्न्स हैं, उनकी भी 9,000 स्टाइपेंड है, तो एट पार हमारी भी 9,000 रख दी इन्होंने स्टाइपेंड, एंड नाउ इट्स बिन 14 ईयर्स। 14 ईयर्स में उनकी पहले 18 हुई और अब 26,300 है, बट हमारी अभी भी 900 पे कंटिन्यू है। 9,000 में क्या कुछ मतलब कैसे गुजारा नहीं हो पाता, मतलब 9,000 डेली वेज वर्कर तक को 500 to 600 रुपीज पर डे मिलती है, एंड वी आर जस्ट गेटिंग 300। हाउ इज दैट जस्टिफाइड? वी आर प्रोफेशनल वर्कर्स, वी आर प्रोफेशनल डॉक्टर्स, वी डिजर्व द इक्वालिटी, वी डिजर्व रिस्पेक्ट, वी डिजर्व द डिग्निटी, दैट्स द मेन इशू। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? It's very sad to see when doctors have to come to the grounds and you literally ask for their basic rights. It's just ki अब ऐसा हो चुका है, इट्स नॉट जस्ट अ स्लोगन कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अब स्लोगन ही रहा है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बन चुका है। सो इट्स नॉट राइट, इट्स रियली नॉट राइट, नॉट जस्टिफाइड। विशाल, मैं भी इंटर्न हूँ, BDS इंटर्न। सर ये हमारी अब डिग्निटी की बात हो गया, मोर ओवर पैसे की बात नहीं है, हमारी डिग्निटी की बात है। जब हम इतना काम करें, UT के लोगों को सर्व करें, UT को सर्व करें, तो सर हम भी कुछ डिजर्व करते हैं, हमारे भी कुछ राइट्स हैं। अभी हमारी डिग्निटी की बात, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है सर। हमारा 300 पर डे इज नॉट अ जस्टिफाइड सर, मनरेगा भी इससे ज़्यादा दे देता है। आप काम की बात कर रहे हैं तो कितने कितने देर आपको मतलब कि काम करना पड़ता है सर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। 9 to 5 हमारा वर्किंग आवर्स होते हैं, हम 8 घंटे पूरी सर्विस देते हैं डेली, सिर्फ जो हॉलीडेज है गवर्नमेंट की तरफ से वही हमें हॉलीडेज मिलती हैं, उसके अलावा हम पूरा साल 9 to 5 काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब कि क्या चाहिए आपको इसकी? स्टाइफंड आपको कितना चाहिए, कितना मतलब लगता कितना है कि आप हमारे लिए इतना अच्छा है? सर जो GMCH में मिल रहा है 26,300, वही हमारे लिए अच्छा है ना सर। वो भी है डॉक्टर्स हैं, हम भी डॉक्टर्स हैं, वो भी व्हाइट कोट पहनते हैं, हम भी व्हाइट कोट पहनते हैं, सर सभी भेदभाव क्यों? जब पहले 2009 में भेदभाव नहीं था तो अभी इतने टाइम से चल रहा है, अभी तक कोई भेदभाव का कारण कैसा लगता है, क्यों हुआ ये भेदभाव? निग्लेक्ट, प्योर निग्लेक्ट। उन्होंने करी स्ट्राइक करी, उनका बढ़ा दिया, हम यहाँ पे कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रही स्ट्राइक ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस दे माइट बी, बट मानते ही नहीं है। एक चीज सोचो कि अगर आपका नहीं हो पाता है तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग आगे क्या करेंगे अगला?
देखिए अभी तक तो यही है, जब तक स्टाइपेंड हमारा नहीं इंक्रीज होगा हम यहीं पे बैठेंगे, क्योंकि इक्वालिटी वाली बात आ जाती है, डिग्निटी रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है। आपके कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि अगर हम लोग सप्ली आ जाएगी हमारा कुछ, ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ नहीं है सर, अभी हम चेन हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर हमें कोई रीजन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम मंडे से इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे आएंगे। और जैसे कि पहले आपको सिमरन ने बताया, कॉलेज भी हमारे साथ है, इवन दे वांट दैट वी शुड गेट द जस्टिस। टीचर्स आपके साथ हैं? हम हमारे टीचर्स सब एक साथ हैं, हमारी लड़ाई प्रशासन से, हमारी लड़ाई टीचर्स के खिलाफ नहीं है। जब तक बैठे रहेंगे आप, कहना है जब तक आपके स्टाइपेंड्स नहीं। हाँ जी एग्जैक्टली। ये थे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जिन्होंने बताया कि अगर उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं होती तब तक वो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन शीना के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।